देश में कोरोना की तीसरी लहर में नए संक्रमितों का आंकड़ा पहली बार 1.6 लाख के पार पहुंचा है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 5,84,000 है। इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि में कोविड मामले बहुत जल्द पीक पर पहुंच सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने मौजूदा लहर के उतनी ही तेजी से घटने की संभावना भी जताई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर समीरन पांडा ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में बढ़ोतरी दर्ज करने वाले इलाकों में कोरोना के एक्टिव मामले 3 महीने के भीतर कम होने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर पांडा ने बताया कि ओमिक्रॉन के 50% से ज्यादा मामले बड़े शहरों में ही मिल रहे हैं। तीसरी लहर में हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम, कोरोना की नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप NTAGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने भी पीक को लेकर ऐसी ही जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के ग्लोबल डेटा और पिछले 5 हफ्तों के दौरान हमारे अपने अनुभव से पता चला है कि ओमिक्रॉन के ज्यादातर संक्रमण हल्के और बिना लक्षण वाले हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती वाले पेशेंट्स गंभीर बीमारी या 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं। ओमिक्रॉन की वजह से होने वाली हॉस्पिटलाइजेशन रेट केवल 1-2% है। ये आंकड़ा डेल्टा की लहर के दौरान हॉस्पिटलाइजेशन रेट से बहुत कम है। वैक्सीन का एक डोज लगवा चुके हैं 91% वयस्क डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि देश में 80% से ज्यादा आबादी वायरस से स्वाभाविक तौर पर संक्रमित हुई है। 91% से ज्यादा वयस्क वैक्सीन का एक डोज लगवा चुके हैं और 18 साल से अधिक उम्र के करीब 66% लोगों ने दोनों डोज लगवाए हैं। ऐसे में तीसरी लहर का असर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि पिछले 24 घंटों में देश में 1.59 लाख से अधिक नए केस और करीब 5 लाख नए केस आने से ही तीसरी लहर का संकेत मिला है। लेकिन ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के साथ ही कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिलेगी।